Congratulations! Congratulations to you too. अरे यार कम हो रहा है इतना तो ऐसे थोड़ी होता है मैं भी लगाऊं फिर नहीं 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 यार क्यों 2 मिलियन होगा ना इतना तो वी शुड डू यार तो 2 मिलियन मेरे अकेले के हुए तुम्हारे नहीं हुए अरे यार शिट आई मिस्ड इट ओके हैप्पी 2 मिलियन हैप्पी 2 मिलियन मजा आ गया पटवा दो गांव में पूरे किधर था पीछे वहां पे रखा है सिद्धेश रेडी रोल रोल रोलिंग 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 सो सुधांशु नडाल से सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां देना चाहेंगे आपको 2 मिलियन हो चुका है आपका गाना दिल की तू जमीन कैसी कुछ फीलिंग है क्या एक्साइटमेंट है अभी मन के अंदर में सोचा था इतने अच्छा परफॉर्म कर पाएगा गाना डेफिनेटली सोचा था कि गाना अच्छा परफॉर्म करेगा इसीलिए हमने इतनी मेहनत की इतना इतना इतनी प्लानिंग के साथ ये गाना बनाया है कि अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि ये गाना लोगों को अच्छा लगे चाहे वो गाना हो गाने की मेलोडी हो गाने में जो म्यूज़िक है वो हो या उसके बाद हमने वीडियो बनाया उसमें जो हमने कैमरा यूज़ किया लेंसेज यूज़ किए लोकेशंस यूज़ की कॉस्ट्यूम्स यूज़ किए हर तरह से हमने कोशिश ये की थी कि हमारा गाना लोगों को पसंद आए और आज On the 7th day, we have touched 2 million, which is a big blessing and it's like a reward for all the hard work that we put in. फिलहाल अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो भी वीडियो देख रहा है, I mean मेरे जान पहचान वाले हों, मेरे दोस्त हों या फैंस हों, जो भी रिस्पांस मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, it's been so overwhelming and गाना सबको बहुत पसंद आ रहा है, first and foremost. सुधांशु की आवाज़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है विच इज़ ऑफ कोर्स अमेजिंग नो डाउट और जो लोकेशन है जो कॉस्ट्यूम्स है जो पूरा लुक है जो हमने एक फील दिया है गाने को एक ड्रीमी फील दिया है लोगों को वो सब बहुत अच्छा लग रहा है सो आई थिंक जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि जो एक टिपिकल लव रोमांटिक सॉन्ग जिस तरह से पिक्चराइज होता है हमारा गाना वैसे पिक्चराइज नहीं हुआ है एंड इट्स रियली डिफरेंट एंड जो लिरिक्स है गाने के बोल हैं वो लोगों के दिल को छूते हैं जो पूरा गाना है ओवरऑल जिस तरह से हमने बनाया है लोगों को वो बहुत पसंद आ रहे हैं एंड या आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांटेड जब से हमने इस गाने पर मेहनत करनी शुरू की थी सो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी टू आप लोग ने पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं आप लोग पहले भी नहीं अभी भी कर रहे हैं काफी अच्छी आप लोग का जो बॉन्ड है बहुत पसंद किया जा रहा है तो उस वक्त और अभी ये म्यूजिक वीडियो करना ये एक अनुपमा के टाइम शूट होता है आप लोग का उस टाइम में और ये जो अभी म्यूजिक वीडियो का शूट हुआ कितना कुछ डिफरेंस रहा हमारी कंफर्ट लेवल तो है ही डे वन से इतनी बट शूटिंग में तो बहुत फर्क है जो डेली शो में आप जब शूट कर रहे होते हैं तो वो एक डेली शो होता है हम लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से और पर इस वीडियो को बनाने के पीछे जो जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी मदालसा को जो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ मदालसा को कास्ट करूंगा उसके पीछे वजह ये थी कि हमारे एक तो हमारा कंफर्ट लेवल हमारी जो बॉन्डिंग है वो ऐसी है कि यू नो इट विल ऑलवेज वर्क वेल बिकॉज हमारा एज को एक्टर्स हमारा हमारी बॉन्डिंग की वजह से आउटपुट बहुत अच्छा रहता है और हम लोग एक ही एंथुजियाज्म के साथ काम करते हैं दैट इज़ वन दूसरा ये कि हमारी रील्स लोगों को बहुत पसंद आती थी और हम जब भी कोई रील डालते थे तो वो वायरल हो जाती थी तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में हम लोग करें और सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा को एक अलग ही रूप में दिखाएं स्क्रीन पे जो जैसा कि होना चाहिए जो रियल लाइफ में जैसे हैं हम लोग वैसा हम लोग क्यों नहीं दिखाएं क्यों ना दिखाएं तो हमने वही किया बाकी जो हमारे जो वीडियो का जो स्केल है वो ऑब्वियसली मैं आई होप सबको ये बात पता हो कि वो गाने का प्रोड्यूसर भी मैं हूँ तो मैंने गाना प्रोड्यूस किया है और इसीलिए मैंने ये पूरी तरह से कोशिश की है कि मेरे गाने का मेरे प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी लगे और मेरे गाने का स्केल ऐसा हो जो किसी ने अभी तक ना देखा हो एक म्यूज़िक वीडियो में स्पेशली इस तरह के म्यूज़िक वीडियो में जिसमें कोई डांस नहीं है कोई डांसर्स नहीं है कोई बैकड्रॉप नहीं है तो हमने कोशिश ये की है कि हम एक ऐसा लव सॉन्ग दें दुनिया में जो सबको एकदम ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह सबको महसूस हो
और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से हमको ऐसा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि अरे यार क्या लोकेशन है, आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आपके कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे लग रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों को गाना बहुत पसंद आ रहा है। मेरी आवाज़ तो चलो ठीक है, मेरी आवाज़ लोग जानते हैं पहचानते हैं बैंड बॉयज़ के टाइम से, बट इस गाने की जो मेलोडी है, जो उसका जो जो उसकी मिठास है, वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, और शायद इसी वजह से मेरी आवाज़ भी उसमें और ज़्यादा मीठी है। ये तो बात रही म्यूज़िक, ये म्यूज़िक वीडियो की, जहाँ पे आपने जहाँ पे हमने आपको फीचर होते हुए देखा, बट देयर इज वन साइड ऑफ यू एज वी नो योर म्यूज़िकल जर्नी जो कि रही है, क्या आने वाले टाइम में ऐसी और म्यूज़िक वीडियो आएंगे जहाँ पे हमें आपकी भी आवाज़ देखने को मिलेगी? मेरी ही आवाज़ है इस वीडियो में, इस वीडियो में मेरी आवाज़। तो इट्स अ थिंग ऑफ टू से दैट और भी म्यूजिक और भी आप करेंगे फॉर योर म्यूजिकल जर्नी? या हां ऑफ कोर्स, मेरा द आईडिया टू कम आउट विद अ सिंगल इज दैट यू, मेरा एक्चुअली मेरा ये सेकंड सोलो सिंगल है, इससे पहले भी मैंने सिंगल निकाला था, बट उसमें बीच में फिर कोविड आ गया था, तो उसमें दो ढाई साल निकल गए और कोई अच्छा गाना मुझे ऐसा मिल नहीं पा रहा था जो मैं अगला सोलो सिंगल अपना बनाता, तो इसमें बहुत लंबा गैप हो गया, बट अब इतना लंबा गैप नहीं करूंगा, होपफुली मैं बहुत जल्दी जल्दी आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि हर तीन या चार महीने में मैं अपना एक और गाना निकालूं, सो दैट पीपल कैन यू नो कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट एंड गेट एंटरटेन विद द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई वांट टू ब्रिंग आउट टू देम। तो इस पर बहुत बारीकी से काम हुआ था, जब हम लोकेशन पर गए थे शूट करने के लिए तब हमारे ट्रायल्स हुए थे, ड्रेस ट्रायल्स हुए थे, मेकअप लुक ट्रायल्स हुए थे, हेयर ट्रायल्स हुए थे, एंड यस ऑफ कोर्स लोकेशन पे जाने से पहले, एंड हमने वो सब जब किया तो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट किया कि व्हाट सूट्स, बिकॉज गाने में जो लिरिक्स है और जो बोल है उसके हिसाब से द आईज एंड द मेकअप एंड द लुक हैज़ टू बी वेरी वेरी ग्लैमराइज्ड, तो इसीलिए हमने अलग अलग उसमें वेरिएशंस दिए, एंड जो कॉस्ट्यूम है हमारी स्टाइलिस्ट अनिशा बेदी, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ एप्ट, उनको हमने आई थिंक सुधांशु ने उनको लोकेशन के फोटोज पहले शेयर किए थे और बताया था कि दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग, यू नो दिस इज़ माय लोकेशन, और मैं इस लोकेशन पर जो बेस्ट आउटफिट्स पॉसिबल होंगे, द बेस्ट कलर्स, बिकॉज लोकेशन इतना ग्रैंड है लाइक यू कैन सी इन द वीडियो, सो ऑफ कोर्स द कॉस्ट्यूम विल कॉम्प्लीमेंट इट, तो कॉस्ट्यूम में उस तरह का होना ही चाहिए फील कि इट कैन लुक लार्जर देन लाइफ, यू नो जो मेरे ड्रेप्स वगैरह आप देखेंगे दे आर सो ब्यूटिफुल एंड लॉन्ग, एंड इवन हिज आउटफिट्स, हमारा दोनों का इतना ब्यूटीफुली ट्विन किया है उन्होंने, यू नो हमको, और एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपके आई मेकअप की बहुत स्पेसिफिक चीजें थी, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ये चीज कि मदालसा हैज वेरी ब्यूटीफुल आईज, और मेरे गाने की जो लिरिक्स हैं वो इस तरह की हैं जिसमें उसमें आंखों के बारे में और उस एक जो जो फीमेल है उसकी खूबसूरती के बारे में वो आदमी गा रहा है, और मैंने जब ऑब्वियसली जब डिसाइड कर लिया था हम लोग कि मदालसा ने हाँ कर दिया था वीडियो के लिए, और हमने डिसाइड किया कि मदालसा विल बी द फीमेल लीड इन द वीडियो, तो मेरा ये थॉट था कि मैं मदालसा की आंखों को एक्सप्लॉइट करूँगा थोड़ा सा, और एक्सप्लॉइट करना मतलब जैसे ऐसे तो टेलीविजन पर भी रोज दिखते ही हैं, हर तरह से दिखते हैं हम लोग अलग अलग कपड़ों में हर बार, पर म्यूजिक वीडियो में आई वॉन्टेड टू मेक दिस अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और वही चीज़ लोगों को पसंद भी आ गई कि उनकी आँखों के लिए स्पेसिफिकली हमने कुछ मेकअप डिज़ाइन किया था, जिसमें आप ब्लू आउटफिट में देखेंगे एक अलग था, उसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया, यहाँ पे दो वो डायमंड के वो लगाए गए, और हमने उस पर बहुत करीब 6-7 घंटे स्पेंड किए थे, और अलग अलग डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट करके मैंने पर्सनली एक्चुअली बैठ के हर चीज़ को पर्सनली सुपरवाइज किया है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं एज अ सिंगर तो खैर मुझे गाना बहुत अच्छा मिलेगा, बट एज अ प्रोड्यूसर मैं फेल नहीं होना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि एज अ प्रोड्यूसर आई वॉन्ट टू 100% बी सक्सेसफुल एंड मेक श्योर कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो भी वो देखे वो बोले कि यार ये कमाल आपने किया है, और वही चीज़ आज हो रही है कि आज obviously Madalsa has looked very good
शी लुक्स गुड एनीवे, बट उसको हमने जो इस तरह से प्रेजेंट किया है गाने में, आई थिंक उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत डिटेलिंग गई है, बहुत लोगों की मेहनत, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑब्वियसली निशा बेदी ने जो कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं और हमारी लोकेशन के हिसाब से उन्होंने जो क्रिएट किया उससे हमारी वीडियो में बहुत चार चांद लगे। फिर वीडियो आने के बाद क्या कुछ रिएक्शन था सभी फ्रेंड्स का, फैमिली का? बिकॉज ऑन सेट तो सभी एक फैमिली हो गई है, हर किसी ने रिएक्ट किया होगा और हर किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, राइट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही मिलता है कि पीपल लव वॉचिंग अस टुगेदर। अनुपमा में एज वनराज एंड काव्या वो हमें ऑलमोस्ट 3 साल से साथ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारे रील साथ में देख रहे हैं, तो ये म्यूजिक वीडियो जब हमने किया तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल सरप्राइज टू आर ऑडियंस, फ्रेंड्स, एवरीबडी, यू नो। एंड सबने यही कहा कि आप दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस एक साथ बहुत अच्छी लगती है, फैंटास्टिक केमिस्ट्री एंड एक परफॉर्मेंस जो भी दिल को छूती है किसी के भी ऑडियंस को, तभी होता है कि जब यू नो वो इतनी शिद्दत से निकले आपके अंदर से एज एन एक्टर, तो ऑडियंस तक वो हमेशा हमारे सीन्स हुए, हमारे रील्स हुए, हमारा गाना है अभी, वो उनके दिल को छूता है बिकॉज मे बी दे कैन सी दैट केमिस्ट्री एंड द बॉन्ड एंड एवरीथिंग, यू नो। So yeah, the best compliment is that people love watching us together, and in this song they have seen us as Madalsa and Sudhanshu, not as Kavya and Manraj. तो एक अलग flavour देखने मिला उन्हें, हमें एक अलग getup में देखने को मिला उन्हें. So yeah, I think this was a great thing to do. Manraj, would you like to add up something on that? On what? On that question, the same question. Because reels तो हम बहुत देखते हैं, on set भी आप लोग। हमारे set पे actually मैं आपको बताऊँ, हमारे set पे जितने लोगों ने, हमने, मैंने in fact जब गाना release हुआ था हम लोग पूरे दिन media में थे, bites में थे और conference था मेरा press conference, तो हमने किसी को पर्सनली उस टाइम तक भेजा नहीं था, तो बिकॉज 8-9 घंटे हम लोग उसमें बिजी थे, बट उतनी देर में ही हमारे जैसे मेरे डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, इन लोग के सबके मैसेजेस आ चुके थे मुझे, दे हैड ऑलरेडी सीन इट एंड दे लव्ड इट। इनफैक्ट राजन जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं, राजन शाही, उन्होंने उस दिन भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए और अभी 2 दिन पहले फिर से उनका मैसेज आया भरा हुआ कॉम्प्लीमेंट्स कि ऐसा स्केल और ये मतलब इट इज़ बेटर देन अ फिल्म एंड ऑल दैट। तो ये रिएक्शन मुझे सब जगह से मिल रहा है कि मेरे डायरेक्टर रोमेश कालरा, अभय जाधव एंड द अदर एक्टर्स एंड स्टफ, वो सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि क्या आपने शूट किया है, क्या स्केल है, क्या विजुअल्स हैं, वो इट इज लार्जर देन लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमने सोचा था, जिस तरह से सोचा था, उसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे, सभी लोगों को गाना इतना अच्छा लगा है हर तरह से, नॉट जस्ट द सॉन्ग बट ऑल्सो विजुअल्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड एवरीथिंग एल्स। वेल, जहाँ वनराज और काव्या की बात हो रही है, रीसेंट एपिसोड में हम देख रहे हैं कि काव्या शी इज लिविंग द हाउस। हां, देखो कितना ऑपोजिट है ना। पीपल आर लाइक दे आर थिंकिंग दैट इज इट सो यू आर लिविंग द शो और इट समथिंग इज लाइक दैट। ये टिपिकल क्यों हर बार सोच हो जाती है? ये एक्चुअली 3 साल में 10 बार हो चुका होगा। हां, कोई ना बीमार पड़ा है, किसी को दिल का दौरा है, हां, तो शोज को लगता है ऐसे पड़ी होता है बाबा, सबको लगता है क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैज बीन The main thing of Anupama show, हमारे show में सब twist and turns ही तो हैं जो इतने popular होते हैं, जिसके वजह से audience इतना glued रहती है हमारे show में, तो ये भी तो twist ही है ना, तो उसको twist की तरह ही देखो ना, कोई show नहीं छोड़ रहा है, this is a major twist और उसके बाद और कुछ बहुत कुछ reveal होगा और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बट इस बार के ट्विस्ट में आपने बहुत ज़्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार रखा है, लोग हर बार सोच रहे क्या होने वाला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रहा है। वही तो इस बार थोड़ा ना लाइक कीपिंग द ऑडियंस आल्सो, राइटर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर बहुत चालाकी से गेम खेल रहे हैं कि अब हम ऑडियंस को लंबा इंतजार करवाएंगे, लेकिन हाँ। उनको फिर भी निकलने नहीं देंगे इधर उधर, लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ हुआ तब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ तब कुछ हुआ, लेकिन अब तक हुआ नहीं, होगा जरूर ऑफ कोर्स, लेकिन आप उसके लिए शो देखते रहें। फिर और भी लास्टली क्या कुछ आप कहना चाहोगे, और भी कितने रील्स बने और बनाए सभी लोग? मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी रील्स आई हैं जो हमारे गाने पे लोगों ने ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी, तो मैंने कल और परसों में शायद कुछ स्टोरीज में पोस्ट भी किया है अपने, जो लोगों ने मुझे रील्स बना के भेजी, बड़ी क्यूट सी रील्स बना के भेजी, वेरी क्यूट, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी थोड़ा सा स्नोबॉल करेगा और मामला आगे बढ़ेगा, लोग ऐसे ही हमारे गाने पे दिल की तो जमीन पे रील्स बनाते रहे, हमें बहुत सारा प्यार देते रहे,
आज हम लोग ऑन द सेवेंथ डे वी हैव टच्ड वी हैव क्रॉस 2 मिलियन व्यूज, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार दे रहे हमारे गाने को, बट ये तो अभी शुरुआत है। आई